इप्सन का एक इल 110 बोर्ड है, उस बोर्ड का बायोस प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है। अब हर एक लॉजिक बोर्ड में उसका एक बायोस आईसी रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं इप्सन का 210, 220, 320, 380 सीरीज का जितना भी बोर्ड होता है लॉजिक बोर्ड, उस बोर्ड पे एक बायोस आईसी रहता है। अगर आप देखिएगा 220, 320, 200, 380 ये सारे जितना भी बोर्ड है ना, बोर्ड का देखिएगा स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। उसका मेन डिफरेंस कहाँ पे होता है, ये बायोस आईसी में। क्या होता है कि अगर हम 220 का बोर्ड में 320 का अगर हम बायोस आईसी लगा देंगे, तो ड्राइवर जो डायग्नोसिस करेगा, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बोर्ड मेरा लगा हुआ है, तो वो फिर 320 का ही मेरे को बोर्ड दिखाएगा। वो आइडेंटिफिकेशन ड्राइवर रहता है इस बायोस आईसी में। तो हर एक प्रिंटर का मॉडल के हिसाब से उसका अलग अलग बायोस फाइल होता है, तो वो फाइल यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ता है, बहुत टाइम क्या होता है हम लोगों को ओरिजिनल बोर्ड नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से, ओपन मार्केट से कोई भी चाइना मैन्युफैक्चर वाला बोर्ड खरीद के ला लेते हैं। जब उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम में दिक्कत आता है कि मेरा बोर्ड और जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। हम कौन सा डिवाइस लगा उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। तो उस केस में क्या होता, अगर मेरा पुराना बोर्ड में बायोस आईसी सही रहेगा, तो उस बायोस को हम कॉपी करके नया जो मार्केट से, ओपन मार्केट से जो बोर्ड खरीदे हैं उसको रिप्रोग्राम कर देंगे, तो उससे हम लोग का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये बायोस आईसी कभी शॉर्ट हो जाता है या फिर इसका प्रोग्राम करप्ट हो जाता है, तभी भी हम लोग को इसको रिप्रोग्राम करना पड़ता है। ये आईसी अगर शॉर्ट हो जाता है तो ओपन मार्केट में मिल जाता है 8 MB साइज का, 4 MB साइज का, तो जैसा बायोस फाइल रहता है उस हिसाब से ये एक रोम फाइल, रोम आईसी है, तो ये हम लोग को मार्केट से खरीद के लेके प्रोग्राम करना पड़ेगा। इस आईसी का कुछ पिन डिटेल्स होता है, जैसे इसका बेसिकली अगर देखेंगे तो जो इस आईसी का एक नंबर पिन होता है इधर से, 1 2 3 4 पिन में होगा, 4 के ऑपोजिट में 5 नंबर पिन होगा, फिर 6 7 8 8 पिन का ये आईसी होता है, ठीक है। तो इस आईसी का जो 4 नंबर पिन होगा वो पिन हमेशा ग्राउंड होता है। जैसे हम लोगों को पता है ये जितना भी पॉइंट दिख रहा है मेटल वाला, ये सारा हम लोगों का होता है कॉमन पॉइंट या फिर ग्राउंड पॉइंट। तो हम लोग इसको चेक करेंगे इस ग्राउंड पॉइंट के साथ इसका 4 नंबर लेकर, जैसे हम लोग मीटर का रेंज में रख के चेक करेंगे, देखिए ये बीप देगा, ठीक है। तो ये इस आईसी का ग्राउंड पिन होता है 4 नंबर पिन, और इसका जो 8 नंबर पिन होता है ये हो जाएगा इसका वोल्टेज वाला पिन, ठीक है। तो इस पिन पे हम लोगों का 3 से 3.3 वोल्ट तक का आना चाहिए इस आईसी में, तभी जाके ये आईसी वर्क करेगा। इसके अलावा इसका बाकी जो डिजिटल से जो भी डेटा आता है ये इसका डेटा पिन हो जाता है, ठीक है। और ये आईसी हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिएगा ये बेसिकली 8 लेग का होता है, और ये आईसी मेकिंग कंपनी का नाम से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे विनवर्न होता है, नोवोटॉन होता है, एमएक्स कंपनी होता है, ये सारे क्या करते हैं, सिर्फ ये लोग बायोस आईसी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन बायोस प्रोग्राम जो है वो इप्सन खुद अपने बनाता है, तो उसका खुद का ये प्रोग्राम रहता है। अभी इस आईसी को हम खोल के निकालेंगे और इसको कैसे हम लोग प्रोग्रामर यूज करके प्रोग्राम करेंगे वो चीज अभी हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम इसका आईसी को बोर्ड से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को एसएमडी मशीन चाहिए, तो हम लोग एसएमडी मशीन का हेल्प लेके इस आईसी को हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस आईसी को रिमूव कर लिए हैं। रिमूव करने के बाद इसको हम लोग कुछ दिन ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक
ठीक है, ये आईसी काफी ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एक सॉकेट आता है और ये हम लोगों का प्रोग्रामर डिवाइस है, ठीक है। ये मिनी प्रो प्रोग्रामर डिवाइस है, इस तरह मार्केट में और भी बहुत सारा प्रोग्रामर अवेलेबल है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। पहले हम लोग को आईसी को इस सॉकेट में फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद इस होल्डर की हेल्प से हम लोग इसको इस बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। अब इस सॉकेट में लगाने से हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इसका कौन सा नंबर पिन एक नंबर होता है। जैसे ये हम लोगों का सॉकेट है, ये अगर नॉच पोजीशन पकड़ेंगे तो इसका पहला ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक नंबर पिन, 1 2 3 4 होगा, 4 का ऑपोजिट में 5 6 7 8, ये बेसिकली 8 लेग का ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आईसी को फिक्स करते हैं आईसी होल्डर पे। ठीक है, अब हम लोग आईसी के इस प्रोग्रामर में फिट कर चुके हैं, अब इसको हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हर एक जो प्रोग्रामर रहता है उस प्रोग्रामर का एक अलग अलग सा डिवाइस रहता है और उसका अलग से डिवाइस सॉफ्टवेयर रहता है। तो हम लोग अभी मिनी प्रो प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं, तो पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये है हम लोगों का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। सबसे पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर में जाके सिलेक्ट आईसी में जाना है। आईसी में जाने के बाद यहाँ पे 25 फ्लैश डिटेक्टर के ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, 8 पिन का ऑप्शन दिख रहा है और एक 16 पिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग का आईसी 8 पिन का है, तो हम लोग 8 पिन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेक्ट वाला ऑप्शन में हम लोग को क्लिक करना है। जैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए दो आईसी का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी आईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर है वो उसी को सिलेक्ट करना है, दोनों में से हम किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम लोग जब कभी भी बायस प्रोग्रामर को प्रोग्राम करेंगे तो इसका जो पुराना फाइल रहता है उस फाइल का हम लोग हमेशा बैकअप बना के रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे डिवाइस में। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है रीड, रीड ऑप्शन में हम लोग जाएंगे, वापस से यहाँ पे रीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब रीड पे इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर में जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को अभी ये सॉफ्टवेयर अभी रीड करेगा। रीड करने के बाद दिखाएगा कि इसके अंदर में क्या प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिखा दिया है रीड सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे ASCII कोड में ये सारा चीज मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना भी प्रोग्राम किया हुआ है सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद इसका हम लोग एक बैकअप फाइल बना के रखेंगे। तो हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एप्सन का है तो मैं इसका मॉडल नंबर डाल के सेव करके रख देता हूँ। L110 मॉडल का है ये, मैं ओल्ड फाइल करके सेव करके रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सेव करके रख दिया है। इसके बाद हम लोगों को इस आईसी को क्लीन करना है। क्लीन करने का मतलब यह है कि आईसी में पहले से जो प्रोग्राम राइट किया हुआ है उसको हम लोग इरेज करेंगे। उसके लिए हम लोग डिवाइस में जाएंगे। डिवाइस में जाके देखिए यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इरेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे इरेज करेंगे। अभी ये सारा जितना भी डेटा से प्रोग्राम किया हुआ है वो इरेज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इरेज सक्सेसफुल हो चुका है। फिर से यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है। अभी फिर से जाके हम इस आईसी को रीड करेंगे, ठीक है। फिर से इसको हम एक बार रीड करते हैं। अभी ये फिर से रीड सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये आईसी पूरा ब्लैंक हो गया, यहाँ पे मेरे को कोई भी डेटा नहीं दिख रहा, मतलब आईसी पूरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास इसका पहले से मैं बोर्ड से इसका फाइल को कॉपी करके रख चुका हूं, तब मैं इसको राइट कैसे करूंगा। तो पहले फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ओपन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो पहले पुराना फाइल जो बना के रखे थे वो इस नाम से हम इसको बना के रखे थे, ठीक है। इस फाइल को ओपन करना है, फिर यहां पे आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा इसका एज इट इज ओके करना है।
जैसे हम ओके कर दिए हैं, देखिए अब उस फाइल में क्या डेटा है वो रीड करके यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को आईसी को फिर से रीप्रोग्राम करना है, तो रीप्रोग्राम करने के लिए डिवाइस में जाएंगे। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम का जो ऑप्शन दिख रहा है, प्रोग्राम वाला ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे फिर से प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये फिर से एक बार देखिए इरेजिंग दिखा रहा, फिर से वो आईसी को इरेज कर रहा है। इरेज करने के बाद अब देखिए प्रोग्रामिंग कोड मेमोरी दिखा रहा है, अब ये आईसी को प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो वेरीफाई कर रहा है कि डेटा सारा करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे ये खुद से एक वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया है प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल, मतलब अभी हम जो प्रोग्राम रन किए हैं फिर से राइट किए हैं वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आईसी को होल्डर से निकालते हैं, फिर से इसको वापस से हम इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। ठीक है, आईसी को जब हम बोर्ड पे फिक्स करेंगे तो हम लोगों को पहले इसका मार्किंग देख लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आईसी का एक डिरेक्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पे ये जो नॉच पोजीशन है, ये नॉच पोजीशन मतलब हो जाता है इसका नॉच पोजीशन का लेफ्ट में हो जाता है ये आईसी का एक नंबर लेफ्ट, ठीक है। एक दो तीन चार रहेगा, चार के ऑपोजिट में पांच, फिर छह सात आठ। उसी तरह देखिए हम लोगों का आईसी में भी यहाँ पे एक पॉइंटेड एक नंबर लेफ्ट, जितना भी आईसी रहेगा सबका स्टार्टिंग पॉइंट यानी एक नंबर लेख का आइडेंटिफिकेशन किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे डॉट किया हुआ है, तो पहले हम आईसी को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, बैठा लेंगे, उसके बाद इसको हम फिर से रीसोल्डर करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का आईसी फिक्स हो गया है, ये ठंडा होगा, फिर इसके बाद इसको हम लोग बोर्ड पे लगा देंगे। तो अगर हम लोगों को आईसी प्रोग्राम करना होगा तो हम लोग इसी तरह से आईसी को प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, फिर आगे हम लोग नया वीडियो चेक करेंगे।